हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, हमारे आज किस नए वीडियो में बात करने वाले गाइस कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पे डिवाइस में, जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे डिवाइस देखने को मिलता है टेक्नो का। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं टेक्नो वाले फ़ोन में मेरा स्क्रीन रोटेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा ऑटोमेटिक स्क्रीन रोटेट हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है गाइस मेरे वाले टेक्नो वाले फ़ोन में, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे मैंने फ़ोन को रोटेट किया तो यहाँ पे सीधा हो चुका है। दोबारा से अगर मैं रोटेट करूँगा तो मेरे यहाँ पे सेटिंग्स भी रोटेट हो जाएगा इस तरीके से गाइस। तो ये जो प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में आ जाती है गाइस, आपके फ़ोन में भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलता होगा इस तरह का प्रॉब्लम। तो अगर आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गाइस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से गाइस करेंगे इसको डाउन इस तरीके से, और आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो ऐसे ही गाइस आप यहाँ पे अपनी मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है इस तरीके से, तो आपको उसको ऑन कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेटिंग्स मैनुअल गाइस आपको सिंपली यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ से गाइस आपके सामने कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ से गाइस आपके सामने जो ऑप्शन रहता है इसका नाम है, इसको ऑन करेंगे तो ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो गाइस आपको सिंपली आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से गाइस मैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने गाइस इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जैसे गाइस आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कई सारे सेटिंग्स देखने को मिलता है आपको। और यहाँ से इसको ऑन करने पर एक ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा ऑटो रोटेट स्क्रीन का, तो इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे, अब आप यहाँ पे बैक करके देख सकते हैं, आप अपना स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो आपका स्क्रीन रोटेट नहीं होगा। तो किसी भी एप्लीकेशन या फिर आप अगर आपको कोई सा भी एप्लीकेशन रोटेट हो जाता है आपका फ़ोन यूज़ करते वक्त, तो आपका यहाँ पे रोटेट नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे रोटेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर ना, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।